मेरा दोस्तों आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे कि सर सिक्स वीक सर्टिफिकेट कोर्स का कब आएगा तो दोस्तों आ गया है कौन कौन से गेम हैं और कैसे अप्लाई करना है सारा इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं और ये जो डेट है तीन चार दो हज़ार चौबीस जो कि कल का नोटिफिकेशन है कंडक्ट सिक्स वीक सर्टिफिकेट कोर्स स्पोर्ट्स कोटिंग अंडर द मास स्पोर्टेशन सिक्स छः मई दो हजार चौबीस से तीन जुलाई का जो है सेशन रहेगा छः मई से लेकर तीन जुलाई तक का आपका जैसे सेशन रहेगा इसकी डेट क्या हो गया एप्लीकेशन डेट वो देख लेते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट जो है हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपलिकेशन लास्ट डेट जो रहेगी वो छब्बीस चार तक रहेगी छब्बीस तारीख से पहले पहले करना है लास्ट में ना वेबसाइट ज़्यादा बिजी हो जाती है तो आप लोग जो है एक दो दिन के अंदर ही इसको अप्लाई कर दें जो चौथा नंबर का आपका पॉइंट है असमेंट एप्लीकेशन बीस चार से अट्ठाईस चार दो हज़ार चौबीस तक आपको करना है इसमें उसके बाद पब्लिक सिलेक्शन जो लिस्ट लगेगी वो आपकी एक पाँच दो हज़ार चौबीस में वैनसडे वाले दिन लगेगी और डेट ऑफ फीस डिपॉजिट एक पाँच दो हज़ार चौबीस से आपको जो है फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी और सबसे अच्छी खुशखबरी की बात है ऑनलाइन क्लास होगी आपकी छः पाँच दो हजार चौबीस से स्टार्ट से लेके और एक जून तक जो है आपकी ऑनलाइन क्लास होगी थ्योरी एग्जाम आपका तीन छः दो हजार चौबीस में होगा मंडे के दिन और थ्योरी एग्जाम रिजल्ट आपका सात तारीख में आ जाएगा फिर जो आपको वहाँ पर पंद्रह दिन रहने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग एंड प्रैक्टिकल जो आपके हो वही होंगे वो वहीं पर ही होंगे चाहे बेंगलोर हो चाहे पटियाला हो साई में वो आपके होंगे सत्रह से लेके कर तीन जुलाई तक जो है आपके वहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी रिपोर्टिंग आपकी वहाँ पर होगी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका होगा एक सात दो हज़ार चौबीस से दो सात दो हज़ार चौबीस तक आपका जो है प्रैक्टिकल होगा सर्टिफिकेट और ग्रुप वन जो है तीन सात दो हज़ार चौबीस वेनस्डे को मिलेगी और एडमिटेड स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप डिपेंड ऑन द नंबर कैंडिडेट डिपेंड करेगा जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर तो ये दोस्तों ये चीज़ थी जो आपका सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो आपकी ऑनलाइन होगी आपको वहाँ पर नहीं जाना है सिर्फ आपको वहाँ पर जो है ये देख लीजिए जिस डेट में मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी डेट में आपको जो है जो आपकी जो प्रैक्टिकल की होगी ये वाला जो पॉइंट है सत्रह छः से तीन सात तक जो है आपके वहाँ पर प्रैक्टिकल चलेंगे लगभग पंद्रह दिन का आप मान लीजिए पंद्रह दिन तक का आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा पहले क्या होता तो था पहले ज़्यादा दिन रहना होता था थ्योरी क्लास भी वहीं पर होती थी अब इन्होंने ऑनलाइन कर दी है अब मेन चीज़ इसमें क्या रहती है देखिए यहाँ पर जो ये कोर्स है तीन जुलाई तक आपका रहेगा इसमें सबसे पहले आर्चरी एथलेटिक्स बैडमिंटन बास्केटबॉल बॉक्सिंग साइकिलिंग कैन साइकिलिंग क्रिकेट फेंसिंग फुटबॉल जन्माष्टमी हैंडबॉल हॉकी जूडो कबड्डी खोखो रोकबॉल तो इसमें ट्वेंटी नाइन गेम है टेबल टेनिस शूटिंग बॉल वॉलीबॉल वोल, वेट लिफ्टिंग वूशो ऑनलाइन थ्योरी क्लास कंडक्ट बाय द मेन अकेडमिक साइस सेंटर पटियाला से आपकी जो है ऑनलाइन क्लास होगी प्रैक्टिकल क्लास विल बी कंडक्ट एट द सेंटर विल बी डिसाइड साई एन एस पटियाला कीपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास एंड द कोविड नाइन्टीन को देखते हुए जब से कोविड नाइन्टीन है उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लास जो है इन्होंने चला दी है और क्लास विल बी रेंज बाई थर्टी से फिफ्टी स्टूडेंट की आपकी क्लास होगी एप्लीकेशन जो प्रोसेस रहेगा आपका सिक्स वीक सर्टिफिकेट कोर्स का जो रहेगा आपका वो जो है इसमें आपका रहेगा जो हज़ार रुपये आपका इसमें रहेगा वन थाउजेंड ओनली ऑनलाइन पेमेंट रिसीव इसके बाद आपका आता है पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगा सबसे पहले डिकलेशन करना है आपको बॉटम से जाके ये कैफ़े पे जाके आपको भरना है ये चीज़ें ध्यान रखना चूज द पेमेंट कुछ इस प्रकार से खुलेगा मेरी एक वीडियो पड़ी है इसमें वो आप देख सकते हो फीस पेबल जो रहेगी आपकी एंटर ड्यूरेशन सिक्स वीक सर्टिफिकेट कोर्स चौदह हज़ार आठ सौ रुपये आपकी जो फीस रहेगी अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पर होता है तो आपकी फिर चौदह हज़ार रुपये जो है आठ सौ सबमिट होंगे सिर्फ ये फीस है उसके बाद अगली चीज़ें हम आपको बता देते हैं इसमें फ़ीस विल बी डिपोज़िट फॉर द स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेज़ दस क्लास दस हज़ार आपकी कोर्स फीस रहेगी इस्टेबलिश मैगजी चार्ज जो है चार हज़ार रहेगा लाइब्रेरी फीस तीन हज़ार और सिलेबस नोट जो आपका पाँच सौ रुपये चौदह हजार आठ सौ रुपये है अब इसमें वो वाला इंक्लूड नहीं है जो वहाँ पर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का होगा वो अलग है इससे ठीक है उसके बाद आपका फिर फीस लोडिंग बोर्डिंग विल बी पे द कैंडिडेट वन रिपोर्टिंग फिजिकल सेंटर तो वो आपके फिजिकल सेंटर पे होगी यहाँ पर अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो बारहवीं पास सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के होते हैं बच्चे जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खेला था वो ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं उसके अलावा जो ग्रेजुएशन मिनिमम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप टूर्नामेंट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन उसके बाद पार्टिसिपेंसन स्टेट चैंपियनशिप पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपिन्स ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ठीक है इंटर जोनल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट्स ये आपका होना चाहिए एच नेशनल वगैरह से आपका अप्रूवल होना चाहिए इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया रहेगी कौन कौन के लोग हैं किस किस एज के क्राइटेरिया के कर सकते हैं तो यहाँ पर 20 से 42 साल तक के जो है कैंडिडेट यहाँ पर कर सकते हैं रिलैक्सेशन एस टी एस टी ओ बी सीट कैंडिडेट को नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बाद प्लेइंग किट जो है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव द ब्रिंग द फोइंग द आइटम्स इन फॉर्म स्पोर्ट इक्विपमेंट क्लोथिंग देयर पर्सनल यूज डूरिंग द कोर्स ये आपको अपने आप खुद लेनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों इसमें टी शर्ट वगैरह ट्रैक सूट वगैरह ट्राउजर वगैरह आपके रहेंगे स्पोर्ट इक्विपमेंट रहेंगे आपके तो ये था आपका नोटिफिकेशन और अगर आपकी जो ये चीज़ें हैं अगर रिजेक्ट हो जाती है किसी कारणवर्ष तो आपको एक हज़ार रुपये जो है कंप्लीट जो आप फॉर्म भरोगे वो रिटर्न नहीं होंगे इसके अलावा आपको अगर कुछ पूछना है तो टेलीफोन नंबर है इस टेलीफोन नंबर पर आप सेंटर में कॉल कर सकते हैं और दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चे जो है एन सर्टिफिकेट कोर्स का फ़ायदा उठा सके जय हिंद जय भारत